तो मुकेश अंबानी के भाई अनिल अपना घर बार बेचकर चुकाएंगे यस बैंक का कर्ज। नमस्कार दोस्तों, रिलायंस ने कहा यस बैंक से लिया गया लोन पूरी तरह से सुरक्षित है। रिलायंस ग्रुप ने कहा कि यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर, उनकी पत्नी या बेटियां या उनके परिवार की ओर से चलाई जा रही किसी भी कंपनी से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा है। यस बैंक संकट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में सुभाष चंद्रा के एसएल ग्रुप और अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह का नाम लिया था। फिलहाल रिजर्व बैंक ने यस बैंक से एक महीने में 50,000 रूपए की निकालने की लिमिट तय कर दी है। देश के कुल 10 बड़े कारोबारी घरानों की 44 कंपनियों पर यस बैंक का 34,000 करोड़ रूपए का कर्ज बकाया है। रिलायंस ग्रुप की 9 कंपनियों पर 12,800 करोड़ का बकाया है। लोन लेने वाले कंपनियों में DHFL ग्रुप, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जेट एवरेज, कॉक्स एट किंग्स और भारत इंफ्रा शामिल है। यस बैंक संकट के पीछे अनिल अंबानी का नाम आने के बाद रिलायंस ग्रुप के एक बयान जारी किया है और कहा कि उसके द्वारा लिया गया लोन पूरी तरह से कारोबार के मकसद से लिया गया था। कंपनी यस बैंक को कर्ज चुकाने के लिए तत्पर है। हालांकि कर्ज में पहले से ही घिरे रिलायंस ग्रुप से जब सवाल पूछा गया कि वह इस लोन को कैसे चुकाएगी, तो इसके जवाब में कंपनी ने कहा कि वह अपनी संपत्तियों को पहले बेचेगी, उसके बाद मिलने वाले रकम से वह यस बैंक का कर्ज चुकाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।